friends, welcome to Apni Vidhya. First of all, let me introduce you to me. I'm Garvit, Rathore. I have done B.Tech in Electrical and Electronics Engineering and M.Tech in Power Electronics and Electrical Drives. I have 6 years of experience in teaching and I'm here to teach you physics, or you can say I'm your physics mentor. Now, when we talk about physics, what is physics? The definition of physics says that it is a study of natural phenomena or natural forces, which is true. When we talk about some of the examples, paper पे जब हम लिखते हैं या rocket को launch करते हैं, तो हर जगह physics apply होती है. जब हम paper पे लिखते हैं, तो paper और pen के बीच में एक force काम करता है, जिस वजह से pen जो है paper पे चलता है, उस force को हम क्या कहते हैं? Friction कहते हैं. ऐसे ही हमारे day-to-day life में बहुत सारे examples हैं जहाँ पर physics apply हो रही है. तो हम उन्हीं basic examples को लेंगे जो हमारे day-to-day life में है, और कनेक्ट करेंगे ताकि आपको समझने में बड़ी आसानी हो और आप इजीली सारे जो लॉज हैं या जो भी फिनोमिना अकर हो रहे हैं उसको आसानी से समझ पाएंगे. अगर हमारे प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, अपने विद्या की बात करते हैं, तो हमारे जो वेबसाइट है www.apnividhya.com, यहाँ पर आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड होगा. हमारा जो यूट्यूब चैनल है अपने विद्या, यहाँ पर आप वीडियो लेक्चर्स हैं जिन्हें आप एक्सेस कर सकते हो. अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी होती है, तो आप हमें कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो. हमारा नंबर है 7014460065. हम आपके लिए यहाँ पर ऑलवेज हैं, आप जब चाहो तब हमें कांटेक्ट कर सकते हो. अगर हम बात करते हैं फिजिक्स की, कि मैं आपको किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ या हमारा इंट्रैक्शन किस तरीके से रहने वाला है, तो जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स के जितने भी फिनोमिनास हैं या लॉज हैं या जितने भी फोर्सेस हैं, जो भी टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, उसको हम विजुअली मेमोराइज करेंगे, एनिमेटेड फॉर्म्स में देखेंगे. क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम किसी चीज़ को विजुअलाइज करके पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से याद रहता है, बजाय रिटन फॉर्म में उसको याद करने के. क्योंकि स्टेटमेंट्स हमारे दिमाग में ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं, और हमें डर भी रहता है कि हमें याद रहेगा कि नहीं रहेगा, इस चक्कर में हम उसे भूल जाते हैं. लेकिन अगर हम किसी चीज़ को विजुअलाइज करके पढ़ते हैं तो वो हमारे दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से हिट करता है और काफ़ी लंबे टाइम तक हमें याद भी रहता है. जैसे कि अगर हम कोई मूवी भी देखने जाते हैं तो वहाँ पर कुछ सीन्स होते हैं जो हमें बहुत अच्छे तरीके से हिट करते हैं, और वो चीज़ हमें याद रहती है. वो सीन, पर्टिकुलर सीन हमें याद रहेगा, वो पर्टिकुलर डायलॉग हमें याद रहेगा. तो जब हम पढ़ेंगे तो इसी तरीके से पढ़ेंगे कि आपको ये चीज़ें जो हैं बड़े आसानी से याद भी हो जाए और याद भी रहे अच्छे टाइम तक. क्योंकि जब भी आप कोई एग्ज़ाम देते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप IIT JEE दे रहे हो, नीट दे रहे हो, NTSC के एग्ज़ाम दे रहे हो, या कोई ओलंपियाड दे रहे हो, CBSE के बोर्ड्स एग्ज़ाम दे रहे हो, या स्टेट बोर्ड्स के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपने उसको विजुलाइज करके पढ़ा है. आप जानते हो वहाँ पे कौन सी चीज़ किस तरीके से अप्लाई हो सकती है, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है. तो जो जर्नी हम स्टार्ट करेंगे आप और मैं मिलके, फिजिक्स की जो हमारी जर्नी होगी वो बहुत ही एडवेंचरस होने वाली है. काफ़ी कुछ नया है हमारे पास में आपको देने के लिए, आपके लिए ईजी बनाने के लिए. आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको शीट्स दी जाएगी प्रैक्टिस के लिए, जिससे आप डेली प्रैक्टिस करिए ताकि वो आपके रूटीन में आए और वो आपके लिए ईजी होती चली जाएगी. तो जो जर्नी हम स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत ही मज़ा आने वाला है. आपको भी मज़ा आएगा, मुझे भी मज़ा आएगा जब मैं आपको पढ़ाऊँगा. मुझे उम्मीद है हमारा जो कनेक्शन है बहुत अच्छा रहने वाला है. चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं. थैंक यू.